हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एमसीक्यू से रिलेटेड कौन सी सेक्शन उस एमसीक्यू में पूछी जा रही है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि आपको एक ही वीडियो में एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी वीडियो में किस कंसेप्ट को क्लियर करवाया गया है, किस सेक्शन को डिटेल में समझाया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने सेक्शन मेंशन की गई है, हर एक वीडियो में अलग अलग सेंशन सेक्शन जो है मैंने मेंशन की गई है कि किस में मैंने किस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन की है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है किसी पर्सन की, और उसकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है वो किसके द्वारा की गई है, ओथ के द्वारा, यानी कि शपथ लेकर की गई है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो ऐसी स्टेटमेंट ओथ के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा कब रिकॉर्ड की जाती है, किस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, क्या सेक्शन 161 के अंदर रिकॉर्ड की जाती है सीआरपीसी में, या सेक्शन 164 के सब क्लोज 5 में की जाती है, या सीआरपीसी के सेक्शन 162 में, या सीआरपीसी के सेक्शन 273 के अंदर। तो हम ऑलरेडी 164 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरे उस वीडियो को देखा है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। सेक्शन 164 के सब सेक्शन 5 में जो है ये बात मेंशन की गई है। मैं 161 को भी ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अगर आपने इन दोनों सेक्शंस को नहीं डिटेल में समझा है मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक बार सेक्शन देख लीजिए, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि किस वीडियो में कौन सी सेक्शन हमने डिटेल में डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के एमसीक्यू के बारे में, यानी कि किसी भी किसी के साथ जो है रेप कमिट हुआ है, और रेप कमिट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो ऐसे में जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इन सभी क्लोज में से कौन सा बिल्कुल इसका सही जवाब है, केवल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा ऐसा किया जाता है, या फिर जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है अगर उन्हें सही लगता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर एसपी की परमिशन होती है, परमिशन मिल जाती है, तभी ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, या जिसके साथ जो विक्टिम है उसकी कंसेंट लेनी जरूरी होती है जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, या फिर उनके बिहाफ पर, विक्टिम के बिहाफ पर कोई और कॉम्पिटेंट है जो कि उनके बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए सक्षम है। तो बिल्कुल सही जवाब है लास्ट वाला, यानी कि किसी भी रेप की विक्टिम का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है तो विक्टिम की कंसेंट होनी चाहिए, या फिर विक्टिम के कंसेंट नहीं है तो उसके बिहाफ पर विक्टिम के अगर यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त नहीं की है, तो ऐसे में कॉम्पिटेंट जो होगा उनकी कंसेंट जो है आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि जब बात करें पुलिस कस्टडी की या पुलिस रिमांड की, तो हमने समझा था कि मैक्सिमम 15 दिन तक जो है पुलिस रिमांड पर रखा जा सकता है, उसके बाद जो है जेसी में भेज दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में। तो क्या पुलिस कस्टडी के बाद किसी पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। हमने 167 सीआरपीसी को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। वहां पर हमने डिफॉल्ट बेल के बारे में भी समझा था कि सेक्शन 167 में, अगर आपने पढ़ा होगा डिफॉल्ट बेल के बारे में तो आपने सेक्शन 167 को पढ़ा होगा, कि मैक्सिमम जो है किसी भी पर्सन को जो एक्यूज है किसी ऑफेंस का जुडिशियल कस्टडी में
या तो 90 दिन तक रखा जा सकता है या 60 दिन तक रखा जा सकता है। 90 दिन तक कब? जब या तो डेथ पेनल्टी दी गई है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है या 10 साल से जो है ज़्यादा पनिशमेंट है, ऐसे में उसे रखा जाता है। इसके अलावा अगर जितने भी और पनिशमेंट दी गई है उसमें मैक्सिमम एक्यूज पर्सन को 60 दिन तक जो है रखा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि हमने काफ़ी बार ये समझा है कि पुलिस ऑफिसर जो है एक डायरी को मेंटेन करते हैं, तो वो डायरी को मेंटेन करते हैं क्या ये सीआरपीसी के किसी सेक्शन में लिखा हुआ है? इसका जवाब हमें पता नहीं होता है। अगर आपने सेक्शन पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति से देख रहा है उसे पता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को तैयार करके एक डायरी भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में यह बात लिखी हुई है, किस सेक्शन के अनुसार वो डायरी मेंटेन करता है, तो इसका जवाब है सीआरपीसी के सेक्शन 172 के अंदर उनकी ड्यूटी होती है कि वो एक डायरी को मेंटेन करें। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट है, यानी कोई व्यक्ति है जिसने किसी दूसरे पर जो है कंप्लेंट फाइल कर दी, यानी एक कंप्लेनेंट हो गया, एक दूसरा व्यक्ति हो गया जो एक्यूज उसको उसने बनाया है। अब यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर दी उसने एवं, मतलब कि बिना किसी रीजनेबल कारण के बस उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दी ताकि वो उसको परेशान कर सके, वो कोर्ट में जाके अपने पैसे खर्च कर सके, तो ऐसे में ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो कंपनसेशन के ऑर्डर कर सकते हैं किसको, कंप्लेनेंट को। अगर कंप्लेनेंट को अनरीजनेबली बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के अगर वो किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 250 जो है वो इस बारे में बात करता है, तो ऐसे में जो है वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसे मैक्सिमम कितनी फाइन यहाँ पर देना होगा अगर मजिस्ट्रेट ऐसे कंपनसेशन के ऑर्डर करते हैं, तो मैक्सिमम क्या उसे 5,000 रुपये देने होंगे या फिर 15,000 रुपीज देने होंगे, या फिर जो कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि उससे ज़्यादा नहीं होगा जितनी उनके पास पावर है देने की। अगर बात करें हम मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है, तो हर एक मजिस्ट्रेट की अलग अलग जो है फाइन लगाने की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट, तो इन सभी की अलग अलग होती है। तो इसका सही जवाब है थर्ड, यानी कि जितनी उनके पास पावर दी गई है लॉ के अनुसार वो उससे ज़्यादा फाइन जो है नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्शन को, हम डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 250 को। तो 250 को समझने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस को समझना होगा, सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेक्शन 248 जो बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में, यानी कि अगर किसी ने किसी पर कोई केस फाइल किया, कंप्लेंट फाइल की, सपोज दैट अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लग रहा है कि ये तो गिल्टी है ही नहीं, इसे एक्विटल करार कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, 248 के अनुसार उसे एक्विटल कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये दोषी है तो उस पर ट्रायल चलाया जाएगा, उस पर कन्विक्शन किया जाएगा, तो सबसेक्शन 2 के अनुसार उस पर जो है कन्विक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक थर्ड क्लोज है 248 के अंदर जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी का प्रीवियस बैकग्राउंड है, यानी कि पहले भी वो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है, तो इसमें हमारी सेक्शन 221 का सब क्लोज 7 एग्जिस्ट में आता है जो बात करता है अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड है और उसने फिर ऑफेंस कर दिया तो उससे उसकी जो सजा होगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके प्रोविजो में क्या लिखा गया है कि ऐसे जो प्रीवियस कन्विक्शन की बात अगर यहाँ पर की जा रही है तो वो जब तक अप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक कि किसी भी अक्यूज को कन्विक्टेड नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि मेरे को किसी केस में दोषी ठहराया जाएगा तभी तो मेरे प्रीवियस जो मैंने कोई ऑफेंस किया है अब मैं फिर ऑफेंस कर रहा हूँ तो तभी तो सजा बढ़ेगी, अगर मैं एक्विटल हो चुका हूँ तो तब मेरी सजा क्यों बढ़ाई जाए।
तो ये है। और आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एक्विटल हो जाएगा या फिर उसे कन्विक्शन हो जाएगा। कन्विक्शन होता है तो प्रीवियस कन्विक्शन को भी यहाँ पर फाइन में ऐड किया जा सकता है। 249 क्या कहता है कि जब कंप्लेनेंट जो है एबसेंट रहता है, यानी कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए, उसका पैसा लगाने के लिए केस फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने, सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है जिस दिन केस को सुन रहे हैं उस दिन कंप्लेनेंट सव्य ही नहीं आया है, कंप्लेनेंट खुद ही एबसेंट है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या कहेंगे कि उसको कि जब कंप्लेनेंट ही नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो है मजिस्ट्रेट साहब डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो टर्म है जिन्हें हमें समझना होगा। वो ऑफेंस की जो प्रवृत्ति होगी, या तो वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर की हो, नॉन कॉग्निजेबल यानी कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता, और कंपाउंडेबल यानी समझौते लायक हो, कि क्योंकि कंप्लेनेंट आएगा तभी तो हम आगे कुछ कार्रवाई करेंगे, अब कंप्लेनेंट ही नहीं आ रहा है तो हम तुम्हारे अगेंस्ट क्यों कार्रवाई करें, तो ये पर्सन भी उठ जाता है। अब बात करते हैं 250 के बारे में। तो 250 क्या कहता है कि कंप्लेनेंट तो आ नहीं रहा है, मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कंप्लेनेंट को अब मैं क्या कर रहा हूँ, समन भेज रहा हूँ कि क्यों उसने ये कंप्लेंट फाइल की, क्यों टाइम जो है कोर्ट का बर्बाद किया या वेस्ट किया, साथ ही कंप्लेनेंट एक्यूज जो पर्सन है उसको भी परेशान किया है। तो ऐसे में कंप्लेनेंट को बुलाया जा सकता है, उससे कारण पूछा जा सकता है कि वो क्यों जो है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट 250 के अंदर कंपनसेशन के ऑर्डर ना करें, आप मुझे कारण बताइए। तो सबसेक्शन 1 में यही लिखा हुआ है 250 के। सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि कंप्लेनेंट अपना कोई कारण बताता है आके कि मेरा ये कारण था, मैंने इसलिए ऐसा, अगर उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है ये कोई पर्याप्त ग्राउंड नहीं है एक्यूज के ऊपर केस को चलाने के लिए, और उसे जो है मतलब कि दो पूरी तरीके से एक्विटल कर देता है, तो ऐसे में यहाँ पर सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि अब आप जो है कंपनसेशन पे करोगे किसको, एक्यूज को। अब यहाँ पर आपको एक्यूज बनाया जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया है कोर्ट को भी, कोर्ट का भी और साथ ही एक्यूज का भी, एक्यूज के जो भी कंपनसेशन यहाँ पर बन रहे हैं वो आप यहाँ पर पे करोगे, जो भी उन्होंने खर्चे किए हैं अपनी एप्लीकेशन बनाने में, जो भी वट एवर जो भी उनका कन्वेंस है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 250 के सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट पर ही क्या है कंपनसेशन के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर जो कंप्लेनेंट है वो पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे पेमेंट ना करने पर क्या उसे कोई सजा भी दी जा सकती है, तो सिंपल इम्प्रिजमेंट जो कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 30 दिन तक जो है उसे जो है जेल में रखा जा सकता है। और साथ ही सबसेक्शन 4 को भी समझ लेते हैं। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि यहाँ पर IPC के सेक्शन 68 और 69 अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 68 और 69 क्या कहता है, 68 ये कहता है कि अगर आप किसी फाइन को देने में जो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा लगाया गया है, तो ऐसे में आपको क्या मिलेगी, आपको सजा मिलेगी, आपको इम्प्रिजमेंट मिलेगी। और बात करें सेक्शन 69 की, तो 69 में बात की जा रही है कि मजिस्ट्रेट साहब आपको कह देते हैं कि आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, आप पर जितना भी फाइन लगाया गया आप उसकी पार्ट पेमेंट कर दीजिए, आपको यहाँ पर 100 रुपये लगाए गए हैं, 150 रुपये लगाए गए हैं, 200 रुपये लगाए गए हैं, आप हाफ पे कर देते हो तो आपकी सजा भी जो है हाफ हो जाएगी। अब हाफ आपको सजा देने जो है जेल के अंदर बिताना पड़ेगा आपको समय। अगर आप पूरी पेमेंट दे देते हैं तो हम आपको यहाँ से क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। साथ ही हमें यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है कि यहाँ पर बात की जा रही है कंप्लेनेंट की, कंप्लेनेंट पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट होगा उसे किसी भी प्रकार से छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी अगर उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि उसने कुछ पे करना है किसी को, तो यहाँ पर सबसेक्शन 5 के अनुसार उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। बात करें
इस प्रोविजो की, तो प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनसेशन पे की जाती है यहाँ पर कंप्लेनेंट के द्वारा, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया कंप्लेनेंट को कि तुम्हें इतना पैसा पे करना है, तो ये एक तरीके से अवॉर्ड कंपनसेशन कंसीडर किया जाएगा। अगर बाद में इसी तरीके के सेम मैटर पर कोई सिविल मैटर आता है तो उस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। सिक्स क्लोज क्या कहता है कि सबसेक्शन टू के अंदर, सबसेक्शन टू में जहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते हैं इन्फॉर्मेंट को कंपनसेशन के लिए, अगर सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे ऑर्डर किए गए हैं और वो ऑर्डर जो है 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, यानी कि कंपनसेशन के लिए कंप्लेनेंट को कहा है कि आप 100 रुपये पे कीजिए, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर अपील का कोई राइट नहीं होगा। अगर आपका अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा होता है तभी आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं अगर आपको दोषी ठहराया जाता है। बात करें सेवंथ क्लोज की, तो सेवंथ क्लोज क्या कहता है, सेवंथ क्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पास अगर आप पर 100 रुपये से ज़्यादा फाइन लगा दिया गया तो आपके पास यहाँ पर सबसेक्शन 6 के अनुसार अपील का राइट आपके पास आ गया। अब अपील का राइट कब होगा, उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप अगर जो है आपने एक महीने के अंदर अगर कोई भी समय नहीं दिया गया है कि इतने समय में अपील लगानी है, कोई समय नहीं दिया गया है, तो मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर अपील अगर फाइल कर दी गई है तो तब तक, जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा कंप्लेनेंट से। तो ये एक्यूज के फेवर की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अभी जो है एक्यूज कंप्लेनेंट को बनाया हुआ है, तो यानी कि जो पैसा ले रहा है कंप्लेनेंट से ले रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर कब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कि उसको जो समय दिया गया है 1 महीने का, अगर कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है और अगर उसने अपील फाइल कर दी है, तो जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। और एट्थ क्लोज क्या कहता है, इस तरीके के केसेस को समन केसेस और फिर वारंट केसेस, दोनों केसेस के रूप में चलाया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट MCQ को समझा, साथ ही एक डिटेल में सेक्शन को समझा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।